कुछ नहीं होगा तुम्हें, घबराओ नहीं। एक आदमी दो लोगों को कत्ल करके भाग गया, उसको देख लिया था मैंने, लेकिन कमबख्त फरार हो गया। कातिल, कातिल! ये इंतजामात किस लिए हैं? किसी का सर कलम किया जाएगा। किसका? तुम्हें नहीं मालूम, मेंबरची हसन को सजा हो गई है। ये तो दुख वाली बात। आपकी बात बजा है, लेकिन काजी साहब शहर भर में कहते फिर रहे हैं, हुक्म उनका चलेगा सर। इंसान की अना उसे मुश्किल में डाल देती है बेटी। इंसान के अंदर की मैं, उसका गुरूर उसे सुकून से महरूम कर देता है। चाहे वो खादिम हो, चाहे वो काजी क्यों ना हो। तुम्हें याद होगा मैं यहाँ ठहरा था। जी बिल्कुल। जिसने मुझे लूटा वो भी याद होगा। रुको, रुको! धोखे बाज! खताकार हूं मालिक, बहुत गुनाह किए हैं मैंने। या रब तू बहुत गफूर रहीम है, तेरा ही आसरा है। हसन तेरा बंदा है, आजिज़ो गुनाहगार। अपने हुजूर बुलाने से पहले मेरा दिल अपनी मोहब्बत से भरते मालिक। आ गया है तुम्हारा।
मेरे बच्चे को सजा से बचा लिया रब, गैब से कोई रास्ता निकाल दे, मेरी मदद फरमा अल्लाह, आमीन, आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ممبرچی حسن بے قصور ہے قاتل سری خلیل ہے Thank you.
शुक्र है या मालिक। सुनो बहुत अहम ऐलान, आज सुबह मिंबरची हसन को काजी यूनुस ने बेगुनाह करार देकर कत्ल के इल्जाम से बरी कर दिया है। ए लोगो अहम ऐलान, फिर न कहना हमें खबर ना हुई। बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं मिंबरची हसन को अल्लाह ने नई जिंदगी बख्शी है। हाँ, याद करो क्या कहा था मैंने शेख के बारे में तुम्हें। हाँ? क्या बात है शेख की? कर दिया है। सही कहा। मिंबरची हसन को रिहा कर दिया है काजी अली मकाम ने। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुरीदों में पानी के बजाय शरबत तकसीम करो कासिम। खुशामदीद काजी अफंदी। शुक्रिया आपका शेख मोहतरम। बैठिए। कौन शेख काजी अफंदी? मैं तो एक आजिज बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ भी नहीं। आप जितना भी आजिज़ी से काम ले लें शेख खाली मकाम, हकीकत जान गया हूं अब मैं। आजी तो दरअसल तकब्बुर से पनाह मांगना है रब्बे जुल जलाल की। मेरा नाम ताब्दुक एमरे है, ईंटों से दीवारें बनाता हूं मैं। मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आपके इल्म का मुजाहरा देख लिया मैंने। आप इनकिसारी में कह रहे हैं कि मैं शेख नहीं हूं कोई, मगर आप जैसा दूसरा नहीं देखा मैंने। काजी मुहतरम, नाचीज को नहीं मालूम कि मैं क्या हूं, बस इतना जानता हूं कि मैं शेख नहीं हूं। मैं आम इंसानों में से एक मामूली इंसान हूं। मैं आपके सामने शेख होने का दावा तो नहीं करता, और जो शेख होने का दावा करे हक और आपके दरमियान आने वाला उल्लू है, जो अपनी मकरूह आवाज के जरिए हक की आवाज आप तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करेगा। आप जब और जहां कहीं उसे देखें फौरन उस मनहूस से दूर हो जाएं। सूबेदार को साथ नहीं लाए आप? धावा बोलने का इरादा तर्क कर दिया क्या दरवेश खाने पर? तो बताइए आप हमसे चाहते क्या हैं? अगर आप इजाजत दें तो सोहबत इख्तियार करना चाहता हूं आपके, मुरीद होना चाहता हूं आपका। हमारे पास ऐसा आखिर क्या कमाल है जो खुद हमें अपनी आंखों से नजर नहीं आता बेटा? आपने बड़े बड़े मदारिस के जैयद आलिमों से इल्म हासिल किया है, आप तो बहुत बड़े काजी हैं, बहुत सा इल्म जानते हैं आप। हदीस जानते हैं, फिक्र जानते हैं, मंतिक जानते हैं, फलसफा जानते हैं, अलजबरा भी जानते हैं, बल्कि शायद फल्कियात का इल्म भी होगा आपको। हमारी किताबों में ये सारे इल्म कहां फरजंद? यानी आपकी तलब भी हो तो भी हमारे पास आपको सिखाने के लिए कुछ न हो शायद। आप जैसा नामवर और काबिल काजी मुझ जैसे आजिज कम इल्म गोशा नशीन से दरवेश से एक नाख्वानदा बूढ़े से
आखिर कौन सी नई बात सीख सकेगा। हाँ, आपको एक नसीहत जरूर कर सकता हूं मैं, अगर इस लायक समझे मुझे। आप मुकदमों में अदल से काम लीजिएगा, हमेशा आदिल रहिएगा। अदल के सिवा दुनिया को कुछ नहीं चाहिए काजी मोहतरम। मायूसी का एहसास रखना भी गुनाह है काजी मोहतरम। आली मकाम, मायूसी एक दलदल की तरह होती है, जितना हाथ पांव मारें धंसते ही चले जाते हैं। शेख मोहतरम रहम दिल तो हैं, लेकिन इंसान को परखते हैं वो। ना तो खुद किसी को बुलाते हैं वो, और ना ही किसी को आने से रोकते हैं। बस यही कहूंगा कि हिम्मत ना हारे, रास्ता मिल जाएगा। सुना है रास्ता तो सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है। ठीक कहा आपने, शेख की साहबजादी की मदद कर दूं जरा। शेख मोहतरम की महफिलों में आया करें, हर पीर और जुमेरात को ईशा के बाद मुनक्किद होती हैं। मैं उठा लेता हूं बासिम सुल्तान। रहने दीजिए कासिम आगा, जहमत होगी। इसमें जहमत की क्या बात है, ये भी रख दे नीचे। काजी मोहतरम बहुत मुतासिर हैं शेख से, मुरीदी में आना चाहते थे उनकी, लेकिन शेख मोहतरम ने कबूल नहीं किया। बाबा ने काजी साहब को कबूल क्यों नहीं किया, वजह क्या थी? कहा आप अदल कायम करें, यही बहुत है, और लौटा दिया उन्हें। उसूल भी यही है इस राह का, हर बात उसूल से होती है। चुनाचे शेख ने भी असलाफ का उसूल अपनाया। उसूल किसी काजी को शेख का मुरीद बनने से रोकते हैं क्या? जो हक की राह है बस वही असल राह है, मकसद उन्हें रोकना हरगिज नहीं है। बस उसूलों की पाबंदी जरूरी है, वो अदल के साथ फैसले करें, उनके लिए यही बेहतर समझा है शेख मोहतरम ने। तुम सुबह से शाम तक मशकीजा उठाए सबको पानी पिलाते हो, क्या थकते नहीं? काश्तकार अपनी खेती को सींचने से थकता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं। शेख फरमाते हैं, इश्क से लबरेज दिल पूरी दुनिया का बोझ उठा सकते हैं। इश्क से खाली हो तो बदन भी लाश से ज्यादा बोझल। अल्लाह राजी हो तुम। शुक्रिया मोहतरम। इश्क से खाली हो तो बदन भी लाश से ज्यादा बोझल। काम माशकी का और बातें अबुल कलाम की। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम काजी साहब। लगता है काजी साहब दिन भर सोए नहीं हैं। कातिल को पकड़ने की कोशिश ही नहीं है कोई, हालत तो देखो जरा क्या हो रही है।
मुरीद होने के ख्वाहिशमंद थे वो तो दिल से। कासिम आगा ने खुद अपने कानों से सारी रुदात सुनी। अगर उन्हें जानता ना होता तो मान लेता आपकी बात। अभी चंद दिन पहले सिपाहियों के साथ दरगाह पे चढ़ाई की थी उन्होंने। यकीन नहीं आ रहा मुझे भी इस पर। यानी झूठ बोल रहे हैं कासिम आगा। हाथ में रहो गुनगोर आफंदी। शाम बखैर मेरे अजीज पीर भाइयों। कासिम आगा सही कह रहे थे बिल्कुल। बताओगे कि क्या सही कह रहा था मैं? हम लोग काजी यूनुस के बारे में बात कर रहे थे। खदशा था कि यही खिचड़ी पक रही होगी। अगर शैतान तुम्हें बहकाएगा कि अपने मोमिन भाई का गोश्त खा लो, बहुत लजीज है, तो खा जाओगे तुम तो। जो आपने बताया था वही तो। मैंने इस वजह से नहीं बताया था तुम्हें कि दरगाह में मजमा लगाकर गप्पे हांकना शुरू कर दो। अपनी खुशी के इजहार के लिए बताया था मैंने, शेख मोहतरम के इल्म की दलील के तौर पर बताया था। शाम बखैर मोहतरमा। जी शाम बखैर। लाइए मैं ले चलूं। वजनी नहीं है मोहतरम काजी, किरा की तरफ कपड़े लेने गई थी मैं, बातों में वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। वैसे आज दरवेशाना महफिल होती है बाबा की दरगाह पर। जानता हूँ, उसी महफिल में शरीक होने जा रहा हूँ। बहुत से लोग तो सिर्फ बाबा के किस्से और हिकायतें सुनने आते हैं, सुनने का चस्का पड़ गया है लोगों को। ये तो है, मगर मोहतरम के हर किस्से में सबक जरूर होता है, और वो जो भी हिकायत सुनाते हैं उसके मानी भी साथ बखूबी समझा देते हैं। महफिल में तो अंदाज बहुत ही दिलचस्प होता है, मगर मुझे पढ़ाते हुए निहायत सख्कीर हो जाते हैं। क्या पढ़ाते हैं शेख मोहतरम आपको? कुरान हिफ्ज करवा रहे हैं बाबा मुझे। बहुत से लोग तो मानते ही नहीं कि वो मुझे पढ़ाते हैं, इसलिए कि बाबा खुद तो एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकते। काजी मोहतरम, जो यकीन की दौलत से खाली हो वो दिल हर्फ का मोहताज होता है, और जो दिल यकीन से पुर हो उसे किसी हर्फ की हाजत नहीं। इजाजत दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। برادران طریقت، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آ گئی کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو مسجد میں تشریف لے گئے اور صحابہ سے اپنا حق معاف کروانے کی نیت کی۔ وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے حضرت پیغمبر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، بلکہ ایک صحابی نے انہیں سہارا بھی دیا ہوا تھا۔
आपने अपने सहाबा से फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अगर मैंने किसी की हक तलफी की हो तो वो मुझसे बदला ले ले, लेकिन कोई खड़ा ना हुआ। फिर आपने दोबारा पुकारा, मैंने किसी का हक मारा हो तो वो मुझसे बदला ले ले, तब भी कोई ना उठा। इसके बाद अल्लाह के पैगंबर ने उनसे एक बार फिर वही कहा। इस दफा एक सहाबी अपनी जगह से उठे और फरमाया, और उन सहाबी का नाम उकाशा था, हजरत उकाशा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जंगे हुदैबिया से वापसी पर आप अपनी ऊंटनी पर सवार होना चाहते थे। मैंने अपना हाथ आपकी जानिब बढ़ाया, आप अपनी ऊंटनी पर सवार हुए और असर उठाना चाहा। उस वक्त आपका असा मेरी कमर पर लगा, तो अब क्या आप पर मेरा हक नहीं? आपने इरशाद फरमाया, हाँ बिल्कुल मुझ पर तुम्हारा हक है, बिल्कुल है। ये बात सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से बर्दाश्त न हुआ और आप गुस्से से खड़े हो गए। इस पर आ हजरत ने क्या फरमाया आप जानते हैं? दखल अंदाजी न करो है उमर, ये मेरा और उसका मामला है। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, फरमाया, ए उकाशा, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए हो मुझसे ले लो, बस अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए अबू बकर, ये मेरा हिसाब है, तुम दखल मत दो। सहाबा मुश्किल से अपने जज्बात पे काबू किए बैठे थे। हुजूर पाक ने हजरत अली से फरमाया, वो असा मेरी बेटी फातिमा के पास है, जाओ उसे ले आओ। हजरत अली ने जब ये मामला बताया तो हजरत फातिमा परेशान हो गईं। उन्होंने फरमाया, क्या आप जानते नहीं कि वो बीमार हैं? क्या आप में से कोई उनका बदला नहीं चुका सकता? चुनाचे उन्होंने हजरत हसन और हजरत हुसैन को भेज दिया। हमारे आका नबी पाक की आंखों की ठंडक हजरत हसन और हजरत हुसैन मस्जिद में दाखिल हुए। फरमाया, ए उकाशा, हमारे नाना से बदला मत लो, उनका बदला हमसे लो, चलो आओ अपना हक हमसे वसूल करो। सहाबा जज्बाती हो रहे थे। हुजूर पाक ने फरमाया, ये तुम लोगों का मामला नहीं, ये मेरा हिसाब है, इसका बदला उकाशा मुझसे ही ले। असा आ चुका था और सहाबे किराम मुसलसल अजियत का शिकार थे। हुजूर पाक ने असा उकाशा को देने का हुक्म दिया और वो बोले, ए अल्लाह के रसूल, मेरी एक और भी अर्ज है। जब आपका असा मेरी कमर पर लगा उस वक्त मेरी पुश्त बरहना थी। उन्होंने पूछा, क्या ये मेरा हक नहीं? ये सुन्नत था कि तमाम सहाबा खड़े हो गए। हुजूर पाक ने उन्हें समझाते हुए फरमाया, ये उकाशा का हक है, हमारे नबी करीम मिंबर से उतरे और अपने जिस्म से कपड़ा हटा दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदन से कपड़ा हटाए हजरत उकाशा के मुंतजर थे। हजरत उकाशा ने असा हवा में बुलंद किया और उन्होंने नबी पाक के कंधों के दरमियान मोहर नबूवत पर बोसा दिया और उन्होंने रोते हुए फरमाया, मेरा हक हलाल हुआ या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हूं। हाँ, तो ये था हमारे पैगंबर हमारे रहबर का तरीका। ऐ दरवेशो, इंसाफ हर किसी के लिए होना चाहिए। आपने ये नहीं फरमाया कि मैं पैगंबर हूं, बल्कि असा देकर फरमाया, लो अगर मारना चाहते हो तो मार लो, ताकि मुझ पर तुम्हारा हक ना रहे और अदल कायम हो। अगर किसी जगह अदल कायम न रहे तो वहां निजाम भी बर्बाद हो जाता है और अखलाक भी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत देर हो चुकी है और हमारे दरमियान एक शख्स को बहुत दूर जाना है।
काजी साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे तलाक दिलवा दे इस आदमी से। जान अजाब में है मेरी, हिम्मत जवाब दे गई है मेरी, रोज इससे मार खा खा कर। आप यकीन कीजिए मेरा, ये झूठ बोल रही है। अलहदगी की कोई शराय वजह नहीं पाई गई। मुनव्वर की दुख्तर आयशा और यूरक अली के फर्जंद नुमान के माँ बहन तनसीख निकाह का मुकदमा खारिज किया जाता है। अर्तगुन आफंदी, तुम्हारा दावा है कि इसने तुम्हारा माल छीना है, लेकिन तुम्हारे पास ना कोई सबूत है ना कोई गवाह। ये बूढ़ा सठिया क्या है खाजी साहब, झूठ बोल रहा है ये बिल्कुल। ये गोकान गवाह है इस बात का। मैं कुछ दिनों से अपने गांव गया हुआ था, तो मैंने इसे वहां पर देखा था। दोनों झूठ बोल रहे हैं काजी साहब। झूठ सच तय करना हमारा काम है अर्तुगरुल अफंदी। मुकदमे का फैसला काजी साहब ने सुना तो दिया था, फिर क्यों बुलाया उन्होंने? खुद ही पूछ लेना काजी आली मुकाम से चलकर। आ गए वो? जी आ गए हैं काजी मोहतरम। अब ये मारपीट तो नहीं करता मेरी बहन? बिल्कुल नहीं काजी मोहतरम, वो मामला तो आपने खत्म कर दिया था। हाँ, मेरे हक में अपना फैसला देकर किसी ने शिकायत की क्या? आयशा खातून, उसके बाद हाथ तो नहीं उठाया उसने? शौहर तो मालिक होता है जनाब। शराब भी नहीं छोड़ी होगी फिर तो? कसम ले लें आप, बिल्कुल छोड़ दी, चखी तक नहीं। मुहर्रर अदालत, मस्कूरा मुकदमे का फैसला दोबारा तहरीर किया जाए। अदालत का सादर किया गया पिछला फैसला कलदम करार दिया जाता है। नुमान अफंदी ने अपनी जौजा आयशा खातून को मारना और शराब पीना तर्क नहीं किया, लिहाजा अदालत इसे 80 कोड़ों की सजा सुनाती है। और अगर ये जराइम फिर से दोहराए गए तो ये सजा दोबारा भी नाफिज की जाएगी। रहम कीजिए मोहतरम, ऐसा ना कीजिए आली मुकाम, माफ कर दें। सुबेदार, लेकर जाओ इसे अभी और 80 कोड़े लगाओ फौरन। ये वो काजी तो लगते ही नहीं जिन्होंने शेख को अदालत के कामों में दखल देने से मना कर दिया था। कल की ही बात है, दरगाह पर धावा बोल दिया था अपने सिपाहियों को लेकर। अस्सलाम वालेकुम बरादरान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? काजी यूनुस के नए शोशे शेख की मुरीदी में आने पर बात कर रहे थे। कैसे क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं लोग, जो हाथ तकब्बुर से ठुकराया था उसी को चूम रहे हैं आप। ये कैसी अनहोनी बात है, हमने तो ऐसा ना देखा ना सुना। शक तो नहीं करना चाहिए मगर अकल मानने को तैयार ही नहीं हो रही। वो काजी जो कल गुस्से में भरा दरगाह ढाने की धमकी दे रहा था, आज मुरीद बनना चाहता है हमारे मोहतरम शेख साहब का। भाइयों, शेख मोहतरम के तरीके पर गौर नहीं किया? उन्होंने आज तक किसी के लिए सख्त अल्फाज नहीं कहे। खुदा की मखलूक खुदा का कुंबा है, सुना नहीं? थोड़ा सब्र रखो, शेख मोहतरम महफिल में कोई ना कोई इशारा जरूर देंगे। तशरीफ रखो भाइयों।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काजी मोहतरम, खुश आमदीद। तुम्हारे जूते तो बहुत शानदार हैं। वालदा ने दिलवाए थे रूमी बाजार से काजी मोहतरम, मालिक को बुलाता। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम ही से काम है। सरकार, मुझसे क्या काम हो सकता है? आप जैसा अजीज खामोश। खुशामद करने की कोई जरूरत नहीं, साफ साफ बताओ मुझे कहां रहता है कलीम ओगलू यालचंद। मालूम नहीं मुझे आला मकाम कि वो कहां है, मेरा मालिक तो मुझे यहां से हिलने भी नहीं देता। चलो ठीक है, फिर बकायदा गिरफ्तार करके बुलाता हूं, अदालत में ही देना फिर अपनी सफाई। क्या जमानत है? अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे जिंदान में नहीं डालेंगे? अगर नहीं बताया तो जरूर डालूंगा। मुझे करीम ओगलों का पता बता दो अगर, और अर्तगुन आफंदी का जो माल हड़प किया है वो सब उसे लौटा दो तो माफ कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम मसूद आगा। वालेकुम अस्सलाम हसन आगा। हाँ, अब बताओ ये सब हुआ कैसे? वो हमें लेकर बल्दी भी गए, वहां असल कातिल सरी खलील को गिरफ्तार कर लिया हमने। शायद आपको ये बात मामूली लगे मसूद आगा, लेकिन ये मामला कुछ गंभीर है। बंद हो चुके मुकदमात भी खोले जा रहे हैं। और वो नौमान बदबख्त क्या कहता है? जाहिर है एतराफ आसान नहीं, मुसलसल इनकार कर रहा है। 80 कोड़े मारे जाएंगे कल उसे, हुक्म जारी हो चुका है। या तो पहले फैसले में कोई खता हुई थी, या फिर कोई नया सबूत सामने आया है जो ये फैसला बदला। दरगाह भी आए थे काजी साहब, शेख मोहतरम की मुरीदी में आने का इरादा रखते हैं वो। कहते हैं कि सूबेदार की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मगर अब तो लग रहा है सबसे आखिर में इत्तला मेरे पास पहुंचती है। तुम्हारे पास हैं ही कितने सिपाही जो शहर भर के परिंदों की खबर रखो, यहाँ तो परिंदे भी मुरीद हैं उनके। वैसे मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है, काजी मोहतरम तो दरगाह के मुरीदों को और शेख साहब को वैसे भी पसंद नहीं करते। उनकी राय बदल चुकी है हसन आगा। मुमकिन नहीं लगता हूँ, खुद उनकी जबान से मैंने शेख साहब के बारे में तल्ख बातें सुनी हैं, और फिर कुछ दिन पहले ही उन्होंने दरगाह पे यलगार की थी मिंबरची हसन को ढूंढने के लिए। आखिर ये कौन जाने के माजरा क्या है, आज जो हाथ हकारत से झटका है कल आंखों से भी लगाना पड़ सकता है। खैर, जो होगा सामने आ जाएगा। करीम ओगलो। काजी अली मकाम, वो बूढ़े का जो माल हथियाया था यही छुपा रखा है ना तुमने? मैंने किसी का माल नहीं हथियाया काजी साहब, आपने ही तो अर्तगुन आफंदी के दावे को इल्जाम करार दे दिया था। तो तुम्हें भी वालदा ने जूते खरीद कर दिए हैं, बच्चे हो छोटे से? कसम खा के कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं किया काजी साहब, आपके मुताबिक तो मैं मुजरिम नहीं हूं ना? अब मैं ही कहता हूं मुजरिम हो तो। देखो, सीधी तरह से उस बूढ़े शख्स का सारा माल उसे वापस लौटा दो, या फिर जिंदा के लिए तैयार हो जाओ। आज शाम महफिल में आखिर क्या बात करेंगे बाबा? किसी तयशुदा हिसाब से तो बात करते नहीं मौजू पर। हजरत इब्राहिम और परिंदों के किस्से अभी तक गूंज रहे हैं मेरे कानों में। अनपढ़ हैं बिल्कुल, पढ़ते लिखते हम हैं और बताते वो हैं कि कहां कौन सी किताब के सफ़े पर क्या लिखा है। मेरे बाबा के चचा शेख मोहतरम के हाथों मुसलमान हुए थे, पापा बताते हैं ये। मालूम है बाबा की वजह से बहुत से लोग मुसलमान हुए। दावत दीन देने नहीं जाते किसी के पास, उनकी बातों और किरदार से मुतासिर होकर ही लोग खींचे चले आते हैं। किसी को जबरदस्ती मुसलमान करना तो दरकिनार, दरगाह में भी नहीं बुलाते वो तो। मगर मुझे तो बुलाते हैं काजी मोहतरम। शायद वो दूसरे शख्स हैं जिन्होंने बाबा का मुरीद बनने की ख्वाहिश की है।
काजी यूनुस ने? खुद देखकर भी यकीन ना करूं मैं तो। अब क्या लेने आए हैं काजी अफंदी? अब तो कुछ भी नहीं बचा। आप मेरी बात सुनिए, यही माला थाया था ना उसने? बिल्कुल यही है काजी मोहतरम, मेरा ही माल। तसल्ली कर लें, कहीं कुछ कमी तो नहीं? एक कंगन गायब है इसमें से, बेच खाया होगा। चलिए, उसका अजाला मेरे जिम्मा है। वो कंगन मैंने माफ किया काजी साहब, जाने दें उसे। मैं शर्मिंदा हूं आपसे, मुकदमे में अदल से काम नहीं लिया मैंने। शर्मिंदा तो मैं हूं आली मकाम, जाने क्या क्या कह दिया आपको। वो कहते हैं ना, अदल अपना रास्ता खुद बना लेता है जनाब। अल्लाह खुश रखे फर्जंद। शुक्रिया जनाब। अस्सलामु अलैकुम आगा, कैसे हैं आप? आपकी दुआ है कासिम आगा। आप सबको खुश आमदेद पीर भाइयों। खुश आमदेद काजी मोहतरम। बहुत शुक्रिया कासिम अफंदी। महफिल के लिए हाजिर हैं दरवेश, अपना मकाम और मर्तबा भुला के आते हैं सब और हमेशा आते हैं। बका भी उसकी फना भी उसकी। आज लोग ज्यादा हैं और कुछ नए लोग भी हैं, तो तुम बावर्ची खाने में जाओ, अली ताई को तुम्हें वहीं खाना दे देगा। अब जाओ तुम। किसी साहिल को मायूस नहीं लौटाते हमारे शेख। तशरीफ रखिए पीर भाइयों। गंदुम मांगने वाले को गंदुम मिलेगी, इल्म के तलबगार को इल्म। जैसी तलब थी तुम्हारी, वैसी ही अता हुई हाजी बख्ताश मोहतरम से। नालेहान के बासियों, सुनो अहम ऐलान सुनो, काजी जनाब यूनुस अफंदी ने अपने मनसब से इस्तीफा दे दिया। मसूद आगा भी गवाह है शेख मोहतरम, मैंने इतनी मेहनत ना की होती तो ना ये बाग होते ना बागीचे, झाड़ झंकार से भरा जंगल होता ये। इस पर वो मुझे कहता है कि अदालत जाऊंगा। तुम अगर खिदमत के रास्ते से कुछ हासिल करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक इंतहाई अहम फरीजा सौंप रहा हूँ यूनुस। हुक्म कीजिए शेख मोहतरम। आज से तुम दरसगाह की सफाई सुथराई किया करोगे, रोजाना बरामदा हुजरे बाग हर जगह को साफ करना होगा। बैतुल खला की सफाई सबसे अहम है।